तो फ्रेंड्स, इससे पहले बहुत सारे वीडियोज जो है वो आपको i20 के मिले होंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है वो सबसे अलग है। इस कार में तो आपको सनरूफ नहीं मिलती है, लेकिन आज इसके रूफ के ऊपर चढ़कर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी। और सनरूफ ना होने के बावजूद भी आप रूफ में चढ़ के कैसे इस कार से मजा ले सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि मारुति की कार में ऐसा करना मना है, नहीं तो आप नीचे भी आ सकते हैं। हाँ, जो भी है, लेकिन उसमें आप मत करना। करना तो टाटा में करना या हुंडई में करना, बाकी दूसरी गाड़ियों की मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मारुति छोड़कर, क्योंकि अगर मारुति में ऊपर चढ़े और गलती से नीचे आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस कार की रूफ जो है वो कितनी मजबूत है। और ये एलीट i20 है, काफ़ी बढ़िया कार है। तो चलिए फिर देखते हैं कि कितना मज़ा आता है और क्या होता है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर लाइफ एंजॉय करना है तो इतना थोड़ा बहुत नुकसान अगर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको पूरा ग्राउंड घुमा देते हैं ऊपर में बैठे बैठे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें इस एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं, फिर भी मैं रूफ के ऊपर और पूरा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। हाँ, मजा आया। ये सनरूफ से भी हैवी मजा आया है, क्योंकि सनरूफ में पैर तो नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे पूरे पैर, पूरा बॉडी जो है आपका रूफ के ऊपर है। रूफ के ऊपर अच्छा लगा। ये देखिए, सनरूफ में ये चीज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सनरूफ में आधा नीचे आधा ऊपर, अभी पूरा ऊपर, काफी मजे के साथ।